तो दोस्तों, यूसी नहीं मिली, पैसे कट गए आपके बैंक अकाउंट से, चाहे यूपीआई के थ्रू आपने किया हो या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड थ्रू आपने पेमेंट किया हो, पबजी मोबाइल में यूसी बाई करने के लिए या फिर बीजीएमआई में यूसी बाई करने के लिए, पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन में यूसी बाई करने के लिए, किसी वर्जन में यूसी बाई करने के लिए आपने पेमेंट किया हो, पेमेंट का पैसा कट गया, यूसी नहीं मिली और ना ही मिला है आपको रिफंड, तो आप क्या करोगे? इस बारे में बैंक क्या कहता है? इस बारे में पबजी कॉरपोरेशन या फिर बीजीएमआई या फिर कार्टन क्या कहता है कि आपको पेमेंट का रिफंड कब तक मिलेगा? इन सब के बारे में हम आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा रिफंड वाला कि जब भी मैं पेमेंट करता हूं, मेरे तो काफ़ी सारे पेमेंट फंस जाते हैं तो मुझे रिफंड मिलता है, ठीक है? तो उसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है? तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। गूगल प्ले के थ्रू मैंने यूसी बाई किया था, जीपे के थ्रू, ठीक है? ये देखो, ये जो 75 रुपया कटा है, एक और 75 कटा है, फिर 75 में ऐड हुआ है। ये जो पहला 75 है, ये वो पैसा है जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेरा पेमेंट फेल हुआ था और यूसी नहीं मिली थी, ठीक है? वो वीडियो क्लिप अभी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाला 75 आपको दिख रहा है माइनस वाला, ये कटे थे तब जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था गूगल प्ले के थ्रू आप कैसे यूसी बाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मतलब ओरिजिनल पैसा जो कट के जिसका यूसी मिल चुका था। और ये जो पहला वाला है 75, इसका रिफंड ये जो ऊपर दिख रहा है 75, ये पॉजिटिव पिंक ग्रीन रंग का, ये पैसा जमा हुआ है। तो ये वो पैसा है जो कि मुझे रिफंड मिला है। अपडेट देखो, 29 जून, सेम डे मेरा पैसा कट गया था, यूसी नहीं मिली थी और सेम डे ही आपका मेरे बैंक में वापस से ट्रांसफर हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो आउटगोइंग ट्रांसफर, इसको ओपन किया, ये देखो डिस्क्रिप्शन में गूगल पे @ एक्सिस बैंक, ये गूगल पे के थ्रू मैंने किया था, ठीक है? तो मैंने पैसा भेजा था गूगल पे के थ्रू, इसलिए गूगल पे लिख के यहाँ पे आ रहा है। मैं बैक आता हूँ, अब यहाँ पे देखो आउटगोइंग ट्रांसफर सेकंड वाला, मैं इसमें देखो इसे भी क्या है, google@axisbank, ठीक है? ये भी मैंने यूसी बाई किया था। तो ये जो ऊपर वो दिख रहा है 75, ये ग्रीन रंग का, इसको देखो, ये पैसा मेरे बैंक में आया था, ये देखो google@axisbank, ठीक है? तो ये गूगल पे के थ्रू वापस पैसा मेरा रिफंंड हो गया था, ठीक है? क्योंकि मेरे सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ गया, क्योंकि इसी बैंक से मैंने लिंक किया हुआ अपना जीपे अकाउंट। और दोस्तों, ये है बीजीएमआई यूसी बाई का, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और रिकॉर्ड जो कि मैंने पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन में यूसी बाई किया था उसका, तो मैं निकालता हूँ उसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन है, रिवर्सल परचेस का, फिर एक है क्राफ्टन, देखो लिख के आ रहा है 711 रुपये 11 पैसा, फिर एक और है 711 रुपये 11 पैसा, ठीक है? तो 711 रुपये 11 पैसा ये मैं पहले पेमेंट किया था, ये वाला, ठीक है? ये देखो परचेस लिखा रहा है क्राफ्टन का, ठीक है? ये मेरा फेल हो गया था, ठीक है? फेल होने के बाद मैंने दोबारा यूसी बाई किया तो मेरा हो गया यूसी बाई। उसके बाद देखो रिवर्सल परचेस 711 रुपये 11 पैसा, सेम डेट को, ये देखो डेट यहाँ पर दिखाएगा, ये देखो 5 जून, सेम डे ही मेरा पैसा वापस से रिवर्स हो गया मेरे अकाउंट में, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल परचेस दिया हुआ है, इसको ओपन कर मैं दिखा देता हूँ, ये तो रिवर्सल परचेस, ठीक है? तो गाइस, ज़्यादातर सेम डे ही आपको देखने को मिल जाता है आपका जो भी रिफंड वाला सिस्टम होता है, अगर यूसी आपने बाई किया है और पेमेंट कर गया, यूसी नहीं मिली तो, ठीक है? तो ये आपका सेम डे ही रिफंड हो जाता है। मान लीजिए एक नहीं होता है तो बैंक क्या कहता है, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल मान लो ये परचेस सबसे ऊपर वाला है 2 जुलाई का, जो कि मैंने आज ही परचेस किया था। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखो, मान लो कि ये पैसा मेरा फेल हो चुका है ट्रांजेक्शन, ठीक है? मुझे रिफंड लेना है, मैं बैंक से कैसे बात करूँगा? तो ये जो ऑप्शन है डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन का, हो सकता है ये आपके बैंक अकाउंट में ऐसा ऑप्शन ना मिले, किसी किसी बैंक में होता है, ठीक है? तो सिंपली इस पर हम टाइप कर देंगे तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि बैंक इस बारे में क्या कहता है, ठीक है? ये डीजी बोर्ड से कनेक्ट हो रहा है। अब ये देखिए, इसके ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई है। ऊपर में देखो, ये लिखा है ट्रांजेक्शन फेल्ड, फुल अमाउंट डेबिटेड। अगर मैं इस पर करता हूँ कि मान लो कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और आपका अमाउंट डेबिट हो गया है और यूसी मिले नहीं है, तो मान लो मैं इस पर कर देता हूँ, तो अब देखो बैंक इस बारे में क्या कहता है। अब यहाँ पे देखिए, मर्चेंट्स यूजुअली रिवर्स फेल्ड वीज़ा ट्रांजेक्शन विद इन 4 वर्किंग डेज, ठीक है? मैंने वीज़ा कार्ड से किया था तो उसका है, बाकी चीज़ों पर भी सेम लागू होता है, ठीक है? 3 से 4 दिन, 24 घंटा 48 घंटा ऐसा आपको लग जाता है अगर आपका ऑटोमेटिक लेना है तो। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड द रिवर्सल इवन आफ्टर 4 वर्किंग डेज, यू कैन द डिस्प्यूट दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है? अगर 4 दिन के अंदर नहीं होता है तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, यानी ट्रांजेक्शन के बारे में आप बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, पैसे कट गए और मुझे यूसी जो है कि आपने बाई किया था वो नहीं मिला, ठीक है? तो बैंक इस बारे में यही कहता है, ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाया लाइव। तो ऐसे ही मेरे तो काफ़ी ट्रांजेक्शन फेल होते रहते हैं और सेम डे पैसा वापस आते रहता है, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको पैसा मिल ही जाता है। तो गाइस, ये तो हो गया कि हाँ बैंक क्या कहता है। अब हम बात करते हैं कि क्राफ्टन
ठीक है, क्राफ्टन इस बारे में क्या कहता है। तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सीधा ईमेल ओपन करके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल है, ये हमारा क्राफ्टन की तरफ से। पहले आपको ईमेल दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए पूरा अच्छे से। यहाँ पे देखो, बैटल्स ग्राउंड्स इंडिया _support@craftan.com, ये बीजी मेरी तरफ से मेल देखने को मिला है। अब इन्होंने क्या कहा, ये देखिए, हेलो प्लेयर, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कस्टमर सपोर्ट। वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न रिगार्डिंग द इन गेम करेंसी, हाउएवर दिस माइट बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क लेटेंसी और नेटवर्क फ्लक्चुएशन व्हेन यू ट्राई टू परचेस ड्यू टू विच देयर माइट बी ए डिले इन रिसीविंग यूसी टू योर अकाउंट। जो भी हमको नेटवर्क का डिले होता है, लेटेंसी वाला होता है, पिंग वाला अच्छा नहीं चल रहा है, इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, तब आपको यूसी बाई करने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पेमेंट कट जाता है, यूसी नहीं मिलती है, ये बेसिकली इसी वजह से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे लिखा है, वी रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर 24 आवर्स, इन केस आफ्टर 24 आवर्स इफ़ यू स्टिल हैव नॉट रिसीव द अमाउंट, प्लीज सेंड अस ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर परचेस रिसिप्ट शोइंग द डेट एंड अमाउंट ऑफ परचेस एज वेल एज योर ट्रांजेक्शन ID। इसमें ये कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर आपका वापस से पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आपको इनको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसमें स्क्रीनशॉट में होना चाहिए आपका ट्रांजेक्शन का ID, डेट और टाइम और अमाउंट, ये सारी चीज़ होनी चाहिए, जो कि होती ही है। ठीक है, आप कोई पेमेंट करोगे तो उसका जब आप उसको ओपन करोगे तो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने गूगल पे के थ्रू पेमेंट किया है तो गूगल पे पर चले जाना और वहाँ से आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो तो शो होगा ही, फिर उस पर आप क्लिक करके उसका पूरा हिस्ट्री निकाल लेना, पूरा डिटेल्स वहाँ पर शो हो जाता है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट लेके इनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे भेजना है मैं आपको बताता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं, We appreciate your understanding in this regard. If you have any other queries or concerns, kindly get back to us and we will be here to assist you further. ठीक है, have a nice day, बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो मान लो कि 24 आवर्स भी हो जाते हैं, 2 से 3 दिन वेट हो जाते हैं, आपके रिफंड नहीं मिलता है तो आप कैसे करोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि BGMI टीम को कैसे कॉन्टैक्ट करना है कि आपका पैसा कट गया है, UC नहीं मिली है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल पर सर्च कर सकते हैं, 3-4-5 वीडियो बाद मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि कैसे आपको मेल लिखना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है और स्क्रीनशॉट जो है आपका ट्रांजेक्शन वाला उसमें अटैच करके भेज दीजिएगा तो आपको रिफंड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, मैंने आपको एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बैंक्स का रिकॉर्ड भी दिखा दिया और यहाँ पे जो भी परचेस फेल हुआ था, पैसे कट गए थे, उसका रिवर्सल भी दिखा दिया कि हम वापस आता है सेम डे ही। उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि BGMI टीम क्या कहता है इस बारे में। ठीक है, मैंने एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको खुद से करना पड़ेगा सब कुछ, मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रिफंड ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह है पूरी कहानी हमारे रिफंड सिस्टम की, मैंने आपको एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम में आएगी और आप इजीली रिफंड ले सकते हैं। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास वीडियो देखना तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉप की वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं। तो फिलहाल कितने दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।